And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be you. Good morning, everybody. कैसे आप सब बहुत अच्छे से वेलकम टू माई चैनल दोस्तों. वो सब डॉक्टर आ गया, कोचिंग चलते हैं भाई. यार आज रात में मैं सो नहीं पाया हूँ. मतलब कोई है जो दिमाग में चले जा रहा है. पूरी रात नींद ही नहीं आई, पूरी रात नहीं सोया हूँ. मतलब आधे घंटे, मतलब 30 मिनट भी नहीं सोया हूँ अच्छे से. पूरी रात जगा ही रह गया. दिमाग में है कुछ बातें, कुछ हैं लोग जो चल रहे थे. लेट्स चेंज द टॉपिक. मंदिर आने के बाद जाऊंगा. और भाई क्या मस्त सनराइज हो रहा है. देखो फोकस बे, देखो बादलों के बीच से प्यारा सा सन. दिस इज सो ब्यूटीफुल, मैं क्या ही बताऊं. देख रहे हो ऐसे, देखो बीच में मैं आ रहा हूँ. मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ऐसी सब चीज़ें. डॉक्टर कहाँ रह रहा है भाई? गोरखपुर कब चल रहा है? कल ही आ रहा हूँ. हाँ कल गए थे पल्सर लेके. दिखाना. अच्छा अच्छा, पल्सर के लिए मैं पूछ रहा हूँ. अभी रुको, अभी तो टाइम में नहीं मिल रहा है. जिस टाइम रविवार को चला जाए. चलो रविवार को. संडे डन. कब चला जाएगा? कल. कब चला जाएगा मतलब रविवार सुबह में? टाइम अच्छी राइड हो जाएगी अपन लोगों की. दोस्तों कौआ करो और थोड़े मोड़े घूम फिर के फिर आएंगे. ऐसे नहीं आएंगे. खाने पीने में कम पैसा खर्च हो लेकिन घूमने में ज़्यादा, ऐसा मेरा मोटो है. खाना पीना तो क्या है, घर से मैं खा के चलता हूँ, टिफिन लेके चलता हूँ. बाहर में खाना प्रीफर नहीं करता, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को बाहर का खाना. कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए लौंडो लपाड़ों के साथ मैं खा लेता हूँ समोसा और जो भी होता है. बट ऐसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ. इसके वाले मतलब कहाँ गई दिख नहीं रही ये वाली. इसके रिव्यू मैंने बताया था, इसके अंदर एक हैंड ब्रेक भी आता है. वो हैंड ब्रेक काम वाम नहीं करता जो कि यहाँ पे है. देखो काम करता है. देखो ये रहा हैंड ब्रेक, यहाँ पे ये है. देखो इंगेज, देखो इंगेज होने के बाद चल रही है. दब के. देखो थोड़ा थोड़ा. उसको भी दिखाना है यार. मतलब अपन लोगों के ना फ्रेंड सर्कल में सारी गाड़ियाँ हैं अपन लोगों के. नहीं मतलब हाँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूँ ये लोग नहीं जानते हैं. वो यूट्यूबर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं भाई. चल तेरे को किसी दिन मैं BMW की राइड दिलाता हूँ, उस दिन उसका रिव्यू भी हो जाएगा. अरे यहीं पे मेरे रूम पे आएगा बंदा. अब एक दिन आने वाली है BMW G310R, तो उसकी राइड भी करेंगे और रिव्यू भी लाऊँगा सून. देखो भैया कब तक आते हैं लेके. लेट्स सी. चार्जिंग पोर्ट है? चार्जिंग पोर्ट नहीं है. जरूरत रिव्यू मैंने बनाया था, मैं खुद ही भूल गया इसके अंदर क्या क्या फीचर है. मैं खुद शूट किया था और खुद भूल गया. तो वैसे रिव्यू वीडियो यहाँ आई बटन में डाल दे रहा हूँ, देख लो. कोचिंग खत्म. ससुर मजा आया? मजा आता है मेरे साथ. इससे मेरा कोचिंग पार्टनर है. चल जब से हम लोग 4 साल से कोचिंग पढ़ रहे हैं, 4 साल से मेरे साथ बैठता है भाई. मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड है ससुर. नहीं स्लीपर तो पहनना. तो चलो चलते हैं. सासुर बहुत कुछ देता है कोचिंग में. सासुर ऐसे ही दिया करो. डॉक्टर मेरे को छोड़ के निकल गया. मैं मंदिर से होके अब थाने वाले मंदिर पे जा रहा हूँ और उसके बाद नहा के स्कूल. और कोई तो खास काम है नहीं. वैसे अब GoPro को अपने कवर से बाहर निकाला हूँ तब जाके सही लग रहा है. मतलब बड़ा मस्त लग रहा है, ऑसम सा GoPro लग रहा है कवर से बाहर. कवर के अंदर तो बड़ा बेकार लगता है. अभी दीपू अंकल आए हैं जो अपना सामान जो है लेके जा रहे हैं. देखो सब कुछ लेके जा रहे हैं. तो उनका ट्रांसफ़र तो हो ही गया काफ़ी पहले का. स्कूल से आ गया, थोड़ा सा गला वाला सूखा हुआ, कुछ खाएं पिएं, 2-4-10 मिनट का रेस्ट करें. कोचिंग निकलना है तो कोचिंग ही चलते हैं. कैमरा उठाने का कुछ सेंस नहीं बनाता क्योंकि थका हारा आया व्लॉगिंग. अभी रुक के थोड़ा एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो कोचिंग चलते हैं. 300 लोग हैं, 10-15 मिनट लगेंगे मेरे को कोचिंग पहुंचने में. तो कोचिंग के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं कोचिंग. और वैसे शशांक और अमृत ज्वाइन करना. वेल एक चीज़ बता दें, अमृत की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार. बंदा कुछ भी खा रहा है वोमिट हो जा रहा है. उसको तो वोमिटिंग कर दे रहा है. उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा हद से ख़राब है.
बट लेट्स सी, चलते हैं। अगर आएगा तो उससे कैमरे के सामने बात करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई की। मैं तो पूछ लिया हूँ, एक बार आपको भी बता दूँ। और इसी रास्ते से आते जाते रहूँ जिस रास्ते पर सांप मिला था मेरे को, बट ये दिक्कत है, अपन कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ता है। लेट्स गो, धूप जहरीली है, काफ़ी जहरीली है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली जहरीली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्ट्रीट डॉग्स। तो मेरे पुलिस स्टेशन में अभी और भी हैं, ये तो बस 7 हैं अभी, तमाम मतलब ढेर सारे हैं, आई थिंक 15 या 17 इतने हैं। तो सोचा बता दूं, बताने वाली चीज़ है यार। धूप तो काफ़ी जहरीली है भाई, लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा, मतलब रॉन्ग साइड है ये, लेफ्ट रॉन्ग आपको समझ में नहीं आएगा कैसे रॉन्ग है, घर पे बैठ कर आराम से समझाऊंगा डायग्राम के साथ। पहले इधर से चलो भाई, जहरीली धूप है यार, इसके शेड में तो आ जाने दो। अब ठीक यार, धूप इतनी तगड़ी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। आना जाना इज वेरी टफ, मतलब लिटरली बीप फाड़, मतलब समझ जाओ बीप मतलब क्या। खैर आ गया, बस ऑलमोस्ट थोड़ी दूर हूँ, पहुँच जाऊँगा। हैव अ लुक गाइस, हैव अ लुक, सर मिल गए। मतलब कितने टाइम बाद ये व्लॉग में आ रहा है, कितने टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद। देखो अभी बिजी है, सुपर बिजी, सुपर बिजी। Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive, just you and I. ये दोनों भी आ गए तो इन दोनों के साथ ही चलते हैं। आज पता है क्या हुआ अमृत, तुम देखे हो शायद, इसको अदम मारा है चौक से, मार के मार के बैठ गया है। मैं अतुल को मार रहा था, पता नहीं तुम हो दिमाग से पैदल भाई। मैं अतुल को मार रहा था, मैं देखा नहीं हूँ ना। चला इसको जानते, इतना ओपी मारा है गाइस, खींच के मारा है, तुरंत अपना बैठ गया है, अब बैठ के अपना सूलेस बांधने लगा है। बहुत सही क्या, एकदम एकदम निशाने पे, एकदम बहुत खींच के मारा है चौक से इसके सर पे। ये अतुल मार रहा है, ये दिन रात किसी ना किसी से पिटते रहता है, लात वात खाते रहता है। हाँ, तुम्हारी तरह तो हाँ, अभी को पिटने वाला ये तो अपना मन की भड़ा, देखो फिर जड़ दिया, मन की भड़ास उतार रहा है वैसे, लेकिन है लतखोर। अरे भाई बहुत गुस्सा लगा है यार, क्या है इतना एक्साइटमेंट से गया था किस लिए? अच्छा गेम पीरियड हमारा छीन लिया गया है, तो तंग दो पीरियड था यार। हाँ, दो पीरियड गेम छीन लिया गया है, हैं? अरे क्या ही कहें, अब छोड़ो जाने दो, खत्म। वो लोग चले गए घर और हम आराम से टहलते हुए जाएंगे। अरे यार कहाँ से मैं चौक लगा लिया, चौक डेस्क पे था। और कितना मस्त फ्रेम आ रहा है ना, बस ये देखो ग्रीनरी, गाय भैंस घास खाते हुए। चलो घर चलते हैं पहले। काफ़ी पास था, मतलब काफ़ी क्लोज। ये हैं JP, इनका पूरा नेम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, पता नहीं इनका पूरा नेम क्या है, तो इनका बस शॉर्ट नेम जानता हूँ JP, जो कि डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। और कौड़ी राम जाते हैं, कौड़ी राम से घर, पता नहीं कहाँ जाते हैं, आई डोंट नो, बट कौड़ी राम तक आते हैं। इस टाइम पर घर पे आना सबसे सही है भाई, धूप एकदम डिम हो गई है, मतलब छाँव छाँव रास्ते में, पूरा छाँव ही छाँव था, मतलब सूरज काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, तो अच्छा लगा आने में। ये बाइक्स काफ़ी दया आता है इनके ऊपर यार, काश कोई चलाता है इनको, बट कोई नहीं चलाता है। अरे कितना पड़ेंगे, दिनवा रतिया दिनवा भर पड़ेंगे क्या? तो भूसी कहाँ इतना स्पीड पे देख रहे हैं, अभी 7 बजे आप वर्कआउट करेंगे, हम तो अभी चल रहे हैं। तो मैं आ गया कोचिंग से, चल रहा हूँ थोड़ा सा तगड़ा वाला, 1 घंटे का वर्कआउट सेशन रखता हूँ यहाँ पे, आउटडोर यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। ये करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। 7 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 7 बजे मत करिए आप, हम तो अभी चल रहे हैं। फटाफट से ड्रेस चेंज करके मिलता हूँ, मतलब वर्कआउट वाला टी शर्ट वी शर्ट मान लो, थोड़ा सा ऑल सेट फॉर वर्कआउट।
वर्कआउट टी शर्ट वर्कआउट शॉर्ट्स ऑल सेट। अब आराम से वर्कआउट करते, थोड़ा सा वार्म अप करें। ऐसे कल का गिरा हूँ तो शोल्डर में थोड़ा सा पेन है, बट नथिंग टू वरी, सो फार सो वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। वार्म अप करते हैं उसके बाद कैमरा ऑन करेंगे। गाइज होप कि आपको टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा और गोल्डन आवर लग गया। तो गोल्डन आवर की जो फोटोज होती हैं तो मतलब प्यारी होती हैं। देख रहे हो बादल कितने ऑसम लग रहे हैं, देखो। चलो मैं वर्कआउट अपना निपटाता हूँ, साथ ही साथ एक कॉल आ गया है तो कॉल पे भी बात कर लेता हूँ और उसके बाद ब्लॉग करता हूँ। पहले वर्कआउट निपटाऊँ। ओ भाई फिलहाल छत पे आ गया, वो लग गया तो आसानी से मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर। तो ऊपर आ गया, यहाँ से मस्त वाला व्यू है इधर का। इधर सनसेट होता है ना और इधर सनराइज़ होता है, तो ब्लू ब्लू स्काई। अच्छा वाला वर्कआउट किया हूँ, मतलब ठीक ठाक वाला, नॉट बैड वाला, बट हाँ किया है। गाना सुनूंगा नीचे चला जाऊंगा। वैसे मम्मी को कैमरा दे दूं, मम्मी को यहीं से धरा दे तो पकड़ा देता हूं कैमरा। वेल यार अच्छा खासा वर्कआउट किया, खाना खा लिया, और आपको तो पता ही होगा एक कंट्रोवर्सी चल रही है अनुराग भाई की। तो अनुराग भाई की कंट्रोवर्सी बस सुन रहा हूँ, अनुराग भाई की क्या बातें थी। वेल मैं कहते आया हूँ और अभी भी कहता हूँ कि प्लीज़ ऑफिशियली वीडियो में नहीं बोल सकता, इंस्टा स्टोरी में आ जाओ, वहाँ पर खुल कर बात करता हूँ, ठीक है। तो इंस्टा पर आ जाओ, वो सब बातें इंस्टा पर होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी चलते हैं वॉक पे और इस ब्लॉग को यहीं पेंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लियो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना किस लिए वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाय, हैशटैग पीस, बाय। Now is for you to stay the night, but if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be